बोलिए बोलिए। बोलिए। सर सऊदी अरब के मुस्लिम जो हैं वहाँ टेररिस्ट कम है पाकिस्तान की तुलना में, ऐसा है? बिन अगर लादेन तो ऐसा वहीं है का था ना तो भाई, सबसे बड़ा वहीं का था उसामा बिन लादेन, सऊदी नागरिक था वो। वाह, नहीं एक अगर वहां पर टेरेंस हाई क्लास के नहीं मिलेंगे, अगर नहीं नहीं संख्या हाई की क्लास बात के की, मिलेंगे, संख्या नहीं आपको की बात की सम, है तो समझ नहीं, सही बात है, आपका सवाल अच्छा है कि मैं वही कह रहा हूँ कि जब नहीं, एजुकेशन पैसा उसका आंसर, बोल, बिल्कुल लिसन उसका आप, आंसर मुझे तेलंगाना भाई का, तेलंगाना भाई की हाँ बात में मिला है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग हैं, उसमें समझता कौन है कुरान को, 20 करोड़ लोगों में कुरान को समझता कौन है। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उन्हें अरबी में सारी चीजें, सारे मुसलमान तो रट लेते हैं कुरान को, पर मीनिंग नहीं समझते। और किसी एक दिन अचानक कोई मौलाना उठता है और कुछ पर्टिकुलर लाइन उनको उसका मीनिंग बताता, और फिर वो भाई अल्लाह की बात है, करिश्माई किताब की बात है, जो है वो सब कुछ सही लिखा है तो उसे फॉलो ही करना है, वो डेंजरस हो जाता है। भाई आपने पहले कहा कि सऊदी अरब में जो है ना क्यों टेररिस्ट नहीं है, पहले तो ये बता दो हाँ, क्योंकि कि क्योंकि जब, उन्होंने सारी चीजें पढ़ी हुई है, उन्हें सब कुछ पता है, और मुझे लगता है कि नहीं उन नहीं नहीं वो आप सवाल, ये क्या यार सवाल आप कर रहे हो, जवाब भी आप दे रहे हो, तो जो ना हाँ मैं आप बोलो, ये सो आप मुझे बोलो। ये कि जब एजुकेशन और पैसा आ जाएगा ना सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, ये जब आ जाएगा मुसलमानों में ऐसा ऐसा जो है ना इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, हम भी जो है ना मॉडर्निटी की तरफ जाएंगे, फिर ये फैजू भाई मॉडर्निटी, ठीक, अब ओसामा बिन लादेन फिर तो फैजू वो भाई पीएच पकड़ के गन्ना चूसते रह जाएंगे अपना आइडियोलॉजी के ऊपर, हदीस के ऊपर, कुरान के ऊपर, जो है ना ये चूसेंगे गन्ना, अतराफ फिरेंगे, मुझे पता है, नहीं, मुझे गन्ना तो नहीं ना है, गन्ना घुसो गन्ना यार हम तुम चूसेंगे और आपसे मुजरा कराएंगे, क्योंकि चुप आप जैसे जो मॉडरेट भी मुस्लिम है ना तब रोएंगे यार, अब तो ना, इस्लाम की धज्जियां उड़ गई, क्या धज्जियां उड़ रही है, आप कुछ भी बोलते जा रहे उड़ हैं रही यार। है, अब शायद आप भी आप आप चेक करें, देखें आप मेंढे, वो कुएं के मेंढक, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, हाँ तो मुझे क्या मेंढक को कैसा जो है ना, जाहिर सी बात है मेंढक को जो है ना आप मछली की, वो बंदर की तरह छलांग थोड़ी मारेगा, हर किसी का अपना अपना जो है ना ये होता मेंढक भी है छलांग मारता है, लेकिन आप सिर्फ कुएं में छलांग मारते हैं, आपको नहीं पता दुनिया यार। रहेगा यार क्या, आपको जो है ना बिल्ली के खाब में छिछड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, आपको बिल्ली वो के है। खाब हाँ में छिछड़े, जरा अपोस्टिसी रेट चेक करें, फिर आप बात करना, यार आपको छोड़िए पता यार, चलेगा हो क्या रहा है, सही यार सब आपने है, अपने एग्जाम्पल सामने मैंने डेटा को मैनिपुलेट मत करो यार, जो है ना हर दौर में मजहबों में इन एंड आउट होते रहता है, आपको पता नहीं है जो है ना कई लोग जो है ना देख। इस बीच अगर मुसलमान हो हमने गए। तेलंगाना, यार तेलंगाना साहब सुने, आप निश्चिंत अगर रहिए भाई, आप खुश रहिए, सुने अगर तो, अरे आप सुने तो मैं आपको अभी मुझे खुश करता हूँ, अगर मुसलमानों की सोच आपकी जैसी हो गई ना तो इस्लाम खत्म ही है, अगर मुसलमान खुलेआम बोलने लगे नहीं 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 हम मॉडरेट हैं, हम कुरान और सुन्नत को आज नहीं मानते, उस जमाने की बातें थी, खत्म नहीं ही हो गया, नहीं इस्लाम मैंने बचा कहाँ, कभी फिर कभी हम भी तो यही कभी चाहते हैं, कभी नहीं सुन अलतकिया कर, ही तो सही बात मैंने कभी नहीं ने बोला, कभी नहीं ऐसा बोला, आप मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। तेलंगाना आपने मुस्लिम क्या आपके यार कहा था एक यार, बार ये यही बोल तो के मुझे उनकी समझ बात में नहीं आ रही, खत्म बंदे कह क्या रहा है यार, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, ये क्या बात है, आप टाइम के साथ मैंने क्या तो कहा चेंज था कर आपने, लिया चलिए ये बहुत बताएं, कुछ। मैंने ये कहा था कि जो है ना वो उस वक्त की बातें हैं, अब किसी से अच्छा लड़ने या झगड़ने की बात नहीं है, उस वक्त की किसने कहा, बातें मतलब कुरान की जो आयतें हैं वो आज आप अमल नहीं करोगे ये कहना चाहते हो, वो उस वक्त के हिसाब से थे, एज अ टेक्स्ट बुक जो नहीं है ना चलो वो तो चलो हम कुरान की एक आयत पेश करी जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हो कि जिहाद किताल की आयत सिर्फ उस वक्त की थी, आगे चल के मनसूख हो जाएंगी, चलें, नहीं, ऐसा 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 नहीं है, हमारा समझना ऐसा है। नहीं यार ये कौन सी तेलंगाना बात हुई, अगर अगर उस वक्त की भाई आयतें थी, एक सेकेंड, उस से वक्त की आयतें थी तो उस वक्त उनको अल्लाह ताला ने बोला होगा ना कि ए मुसलमानों ये सिर्फ इसी वक्त की आयतें हैं, अभी लड़ लो, बाद में आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना है, ठीक है, ऐसी एक आयत जी बता दे जहां पर अल्लाह ताला ने अपनी पुरानी आयतों को मनसूख किया हो, चले फैजू भाई मेरे को ऐसी आयत बताओ भाई, मेरे को नहीं तेलंगाना भाई मेरे को ऐसी आयत बताओ जो आज की 2023 के लिए है, मेरे को 1400 साल पहले की आयत ही नहीं होना, जो उस वक्त के लिए वाली टाइटल है ना वो होना ही नहीं, मेरे आज का क्या है वो बताओ। चलो अरे बहुत से हैं ना ऐसा, जैसे माँ बाप को जो है ना सेवा करना, और जो है ना और पति पत्नी आपस में और लड़ना, वो वाली आयत हाँ। सुने सुने, तेलंगाना मुस्लिम, एक एक आयत करके चलते हैं, माँ अरे बाप की नहीं सेवा यार करने वाली आयत, ठीक है, एक आयत हमारी लो, हाँ अगर आपके बाप या भाई कुफ्र पर आमादा हो तो आप उनसे रिश्ता तोड़ लो, इस आयत का क्या करें, हाँ, तो उस वक्त जो है ना वो मक्का के जो है ना जो लड़ रहे थे ना उनके ऊपर है अच्छा वो,
अच्छा, अगर आज सुने सुने, आज अगर फर्ज करे मेरा मेरा फैमिली मुसलमान है, मैं कुफ्र पर, अगर मेरी फैमिली कुफ्र पर आ जाए तो क्या मैं उनसे रिश्ता तोड़ लूं? नहीं, मैंने कहा कहा ना कि नहीं, अल्लाह ताला ने ये बोला ना कुरान में मेरे भाई, साफ साफ आयत है सूरह इमरान की। तो आप समझने के ऊपर बात है ना कि आपकी आप किस तरह। चले समझाए, चले समझाए, चले समझा दे। नहीं, चले। मैं तो समझता हूँ कि वो उस वक्त के हिसाब से था, अभी इस वक्त उस वक्त के हिसाब से तो... कहाँ पे लिखा है कि उस वक्त के हिसाब से थी? चले यार, एक दलील दे, ये उस कुरान वक्त की आयत है। चले कुरान में तो क्या मुंह से खाना भी नहीं लिखा है, तो खाते नहीं क्या मुसलमान मुंह से खाना? क्या बात है यार, मतलब सुने आयते आयते उस वक्त की है। सुने सुने, ये आप देखे खाने पीने की बात है, इंसान से जुड़ी हुई है। हम कुरान की बात कर रहे हैं, तो कुरान में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और आपने कहा कि उस वक्त का था, तो जब उस वक्त के लिए अल्लाह ताला ने पेश किया था तो आगे के वक्त के लिए तो मनसूख किया होगा ना। ये आप कैसे तुक्का मार सकते हो भाई? होते गुना आप तुक्का मारने वाले अल्लाह के कुरान में? मुसलमान मुसलमान की सोच जो है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप बैठे मुसलमानों की सोच है मुसल हाँ। ये सोच आप के सामने बोल मत देना मेरे भाई, आपको घर से उठा लेंगे। ठीक है ना, कोई कुरान हर वक्त के लिए मुसलमान दावा करते हैं, सुबह शाम सीखते हैं तो मैं कुरान हर दौर के लिए, और तुम कर रहे हो उस दौर के लिए थी जो लड़ाई झगड़े की जो आयतें थी उस दौर के लिए थी, दुश्मन लड़ाई झगड़े ये झगड़े की आयत थी। ये मैंने कहा ये कि अपनी फैमिली अगर कुफर पर आ जाए तो तुम उनसे रिश्ता तोड़ दो, इसमें लड़ाई झगड़ा है क्या? आपस में लड़ रहे थे यार वो लोग, इसमें वैसी कोई गुंजाइश नहीं है। कुफर करेगा वो लड़ने लग जाएगा कुछ भी यार। ये क्लियरली लिखा हुआ कि हर वक्त के, ये आइंदा कयामत तक के लिए है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 14 साल पहले वैलिड था आज नहीं। मैंगोमान साहब, ये आप सोचिए ना, आप ठीक है, आप जो है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिखा हुआ है कि भाई आपको ठीक है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लिखा होगा ठीक है, मगर आम मुसलमानों का समझना ऐसा है ना, तो वो तो आपका समझना है मेरे भाई। अगर आप सुने सुने, ये जीरो डिफेक्ट है, ये अल्लाह की तरफ से जीरो डिफेक्ट है, इसमें टेक इट और लीव इट, या आप फॉलो करें या नहीं करें, इसमें पिक एंड चूज इंसानों के बनाए कानून होता है कि ये चीज आप चेंज कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ले जाके नया कानून लिया है, इसमें नहीं कर सकते, इसमें जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो इसमें अभी सुने, अभी सुने, रहने दीजिए ना वो लोगों में सुने, जो तेलंगाना मुस्लिम सुने ना, सुने ना, आपका आपका इस्लाम में पेश करता हूँ आपके सामने। आप चाहे बरेली में तालीम उठाए, आप जो बोलते हैं बंदियों का उठाए, पहले सुने। अरे सुने ना यार, मैं आम मुसलमान की बात से बता रहा हूँ, बेकार आम मुसलमान का नजरिया बता रहा हूँ, सुन ले जरा। चाहे वो अहले हदीस का आलिम हो, देवबंद का हो, बरेलवियों का, सलफत साले का हो, वहाबियत का हो, किसी भी आलिम से जाकर आप पूछ लें, जो जमीन का है, जो आम मुसलमान है, कि अगर मेरी फैमिली कुफ्र पर आ जाए या शिर्क कर ले तो क्या मैं उनसे रिश्ता रखूं बतौर मुसलमान? अगर वो आपको जवाब दे दे कि हाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप रख सकते हो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, जाओ लाओ दलील लेके आओ, जाओ। क्लियरली मेंशन है, नहीं रख सकते आप, इसमें वैसी गुंजाइश ही नहीं। नहीं, इनका, भाई, इनका इस्लाम है, नहीं तेलंगाना मुस्लिम का इस्लाम है, तो वो लेके आए दलील। एक ऐसा बंदा जो बगैर दलील के बातें किए जा रहा है, और उसकी बातें सारी मान लो, वो साबित कुछ नहीं करेगा, वो ना आपको दलील देगा, बस वो सही है क्योंकि उसने बोल दिया वो सही है। अरे यार फैजू, दलील वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुरान पढ़े बगैर कुरान के लिए डिफेंस में खड़े रहते तेलंगाना भाई। भाई डॉक्यूमेंटेड है ना, इसमें तो गुंजाइश बहस की है नहीं ना, कुरान शरीफ तो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है, लिखा हुआ है 2+2 है, इसमें ऐसा है या नहीं है ये तो इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप इस डॉक्यूमेंट को माने ना माने और बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। मैंने कब कहा नहीं लिखा हुआ है? मैंने तो ये मैं कह रहा हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसा है, ऐसा होगा है, मगर जो जो आम प्रैक्टिस में जो है, जो लोग है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जन अब ये मेरी फैजू भाई कह रहे हैं कि तुम ये हो काफिर हो, ये कहने दो, उनकी मर्जी, जो भी कहने देने। देखिए अगर आप लिखा हुआ है आप नहीं मानते हैं तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, सीधी बात। मैं पहले ही दावत दे चुका हूँ कि मुबारक को आप मुर्तद हो चुके हैं, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि आप मुर्तद हो चुके हैं।
हमारे ए साहब आए हैं, इनकी इनका कमेंट ले लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लीज कमेंट देना। ए साहब बोलिए, ए साहब बोलो आप। हेलो, जी जी बोलिए सर। हाँ, ये तेलंगाना जी से मुझे एक क्वेश्चन है कि मतलब ये तो गनीमत का माल भी तो एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, तो तेलंगाना जी क्या आप अपने बीबी अपने बच्ची को ये गनीमत के माल बनने मतलब होने देंगे? अगर नहीं होने देंगे तो आप तो इस्लाम मतलब तो ये तो नहीं हो सकता कि आप हमारी बच्ची हमारी बीबी को गनीमत के माल होने देंगे, ऐसा तो हम भी तो होने नहीं देंगे, तो आप भी मतलब तो आप समझ रहे हैं मेरे पास? ना फिर आप तो फिर कलमा पढ़ लो ना। नहीं, कलमा तो हम नहीं पढ़ेंगे, कलमा तो हम मतलब पढ़ेंगे ही नहीं, ये 6 साल के जो बच्चे के ऊपर जो चढ़ जाएगा उसका तो हम उम्मत नहीं बनेंगे। जी 6 साल नहीं, 9 साल, 9 साल। यार आप नुपुर शर्मा के भाई हो क्या? अरे नुपुर शर्मा का भाई यहाँ पे सब है। अरे क्या बात, नुपुर शर्मा का भाई होने से क्या होता है? ये डॉक्यूमेंटेड है, इसके बारे में कोई झगड़ा की क्या जरूरत है, तो लिखा हुआ है ना भाई, आप लोग आर्गुमेंट तो नहीं कर सकते ना, आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है मेरे भाई, आप ये तेलंगाना मुस्लिम देखें, आप ये कह सकते हैं कि गलत किया या सही किया, ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं किया, he has done it, ये डॉक्यूमेंटेड है। और यहाँ तक कि हैज की हालत में भी, एक सेकंड, यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी ने अम्मा आयशा से हैज की हालत में भी सोहबत की है, इसमें बुरा क्यों मान रहे जब आपकी हदीसों में लिखा हुआ है, बुरा क्यों लगता है आपको? आर्गुमेंट ये है कि क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, ये नहीं आर्गुमेंट होता कैसा नहीं किया उन्होंने, ठीक है? अरे ये बिल्कुल सीधी बात है। नहीं नहीं, आप ये सही है, समझ लिया मैं आपका, जो हुआ सो हुआ, वो उसको हम नहीं हुआ हम नहीं बोल सकते, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ जो है ना, और मैं गलत भी हुआ वो भी नहीं कह सकता मैं। चलिए, मतलब इसका मतलब ये हो गया, आपको फक्र है कि प्यारे नबी ने हैज की हालत में भी अम्मा आयशा से सोहबत की। देखे पता नहीं यार, ये बात तो मुझे पता नहीं है। एक डिस्पैशनेट बात है, एक डिस्पैशनेट बात करें कि अगर कोई आदमी इस तरह कर रहा हो तो क्या वो मेरे लिए रोल मॉडल हो सकता है या नहीं, बिल्कुल गैर जज्बाती गुफ्तगू होनी चाहिए ना, कि भाई अगर एक आदमी ये काम कर रहा हो तो क्या मैं उसको फॉलो करूंगा या नहीं करूंगा, इसे डिस्पैशनेट बात है, कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कि पहला तो क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ तो हुआ कि किया है, तो फिर क्या ऐसे आदमी की मैं फॉलो करूंगा, इस जो मुझे कहा है करने को, क्या मैं वैसा करूंगा या नहीं करूंगा, ये पर्सनल अमल। फिर भी मैं जानते हूँ कि आदमी ऐसा काम और उसको मैं फॉलो करूंगा, तो उसके बारे में यही मैं ऐसे आदमी को मैं फॉलो नहीं करता, मैं आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, नहीं मैं ऐसे आदमी को फॉलो नहीं करूंगा, सिंपल लॉजिकल चले ना, झगड़े की जरूरत नहीं। क्या बोलते हो भाई? हाँ हाँ, मैंगो मैन भाई, आप देखो जैसे मुसलमान चल रहे हैं वैसा मैं भी चल रहा हूँ, बस होता ही और क्या, वही जवाब है मेरा। तिरंगना भाई एक बात बताओ मुझे। हाँ उस्मान, नहीं देखो आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो और अब अच्छी फैमिली से हो, इस बात का तो मुझे एहसास है, आपकी बातें भी अच्छी है, आपकी जो कैफियत है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कई हद तक समझ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि आपकी फैमिली में आपके वाइफ आपके बच्चे है ना, वो आप किस तरीके की एजुकेशन दे रहे हो, कि मतलब कैसा माहौल है आपकी फैमिली में, अगर आप बोलना चाहो? मॉडर्न, हाँ लिबरल है हमारी फैमिली। देखिए एक जो सही नहीं है उस पर आपको बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला तो क्वेश्चन ये रहा। एक छोटा सा सवाल बोलूं, आप लिबरल ऑब्वियसली मॉडर्न हैं, ऑब्वियसली आगे जो वक्त जिस तरीके से बढ़ रहा है उस हिसाब से चलते हैं, तो इसका मतलब ये है तेलंगाना मुस्लिम जी, अगर मैं भी आपकी शादी हो गई है तो आपने अपने बच्चों का खतना नहीं करवाया होगा? नहीं वो तो करवाया होगा। नहीं मॉडर्निज्म कैसा? नहीं तो बचपने में करवा दिया। नहीं नहीं देखें आप मॉडर्न है ना, आप देखें दुनियावी तालीमात दे रहे हैं,
तो आपने खतना क्यों करवाया? अरे भाई हमारा साइंस तो ये कहती है कि खतना करवाने ना करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं साइंस ऐसा भी कहती है खतना करना भी अच्छा है, तो अब ये अलग बहस है मगर ये कहां पे चले बताएं बताएं। इससे मुसलमान होना या नहीं होना या हम इसके ऊपर यकीन रखने और नहीं रखने से क्या तल, ये बिल्कुल अलग बात है। ये जो चीजें कुरान शरीफ में है या जो इस्लाम के अंदर जो बातें हैं इसके ऊपर, ये अकल अगर आपकी नहीं मानती है रीजन, तो आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, अकल मानती तो मानेंगे। इसमें बाकी चीजों को तो अमल दखल ही नहीं है ना, कि इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है जो बातें फैक्ट्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है उस पर आपको आपकी अकल जो अब तक की इंफॉर्मेशन है आपके पास दुनिया को जो समझे हैं उसके मुताबिक ये आपको सही लगती है या नहीं, सिंपल बात। बाकी तो कहते हैं ना इसको इज मैटर ऑफ डिटेल, आपने करवा लिया नहीं करवाया किसी ने करवा दिया नहीं। मैं रिलीजन ठीक है, मेरा ये पर्सनल ये मानना है कि रिलीजन में जो है ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको ये वाली बात तेलंगाना मुस्लिम जब स्टार्टिंग में बोले यार मैं मर जाऊंगा सत्रु जावा स्टार्टिंग में बोले यार मेरे भाई सबसे बड़ा गिफ्ट है इंसान को, सबसे बड़ा गिफ्ट, और इसी को इस्तेमाल नहीं करना है जो फिर तो आपको मतलब इंसान में और जो इंसान नहीं है उनको फर्क नहीं रहा ना अगर। लेकिन एक बात देखें, दो चीज बिलीफ में काय का जो है ना मानना है ना, बिलीफ उसमें जो है ना फेथ है मानना है होता है, और क्या बात बात सुने ना, होता ये है कि हम लोग करते ये है के जो चीज गलत है उसको गलत मानते हैं और सही है उसको सही मानते हैं, और जिसकी बात मालूम नहीं है हम कहते हैं भाई हमें नहीं मालूम। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कि गॉड के बारे में कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है उसके होने भी और नहीं होने भी। मैं कह रहा था गॉड का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, पहले तो ये हुआ कि इंसान ये सोचता है कि गॉड है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता रहा था कि 3.5 आज से 13.7 बिलियन पहले ये जो हमें अब तक पता चला है ये यूनिवर्स स्टार्ट हुई, इसके फर्स्ट 350 इयर्स तक क्या हुआ किसको नहीं मालूम, उसके बाद एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड क्योंकि हमने उसके लॉज फिजिकल लॉज डिस्कवर कर लिए और हमें पता चल गया कि सूरज कैसे बनता है और प्लैनेट कैसे बनता है, तो ये चीजें हमें पता चल गई ठीक है। सिर्फ 3.5 लाख साल पहले क्या, यानी स्टार्ट होने से 3.5 लाख पहले क्या हुआ था उसके, इसलिए कि वहां की जो रेडिएशन है वो इतना थिक है और चादर की तरह के वो आप तक नहीं पहुंच सकती इन्फॉर्मेशन। जैसे आप ड्रामा देखते हैं तो पर्दा उठने से पहले बात हर चीज पता होती है, उससे पहले पीछे क्या हो रहा नहीं पता होता, तो एग्जैक्टली तो ये तो कॉन्सेप्ट है कि भाई एवरीथिंग कैन एक्सप्लेन अगर पता चल जाए कि फर्स्ट 350,000 में क्या हुआ, तो अगर हम कहें कि भाई गॉड नहीं है खुद ही हो गया तो वी नो हाउ इट इज वर्किंग इट डज रिक्वायर ए गॉड। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं भी ये भी, क्योंकि गॉड का काम सिर्फ ये रहा जाता है इज ए लॉ गिवर, गॉड ने लॉ बना दिए, चार फंडामेंटल लॉज हैं और फंडामेंटल कॉन्स्टेंट वैल्यू बना वैल्यू डिफाइन कर दी थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की ये होगी, ग्रेविटेशन ये होगी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ये होगा, चार पांच फंडामेंटल लॉज की वैल्यूज नंबर ये गॉड ने डिसाइड किया, ये कौन किस तरह एक्सपैंड करेगी, इस रेट से ये यूनिवर्स एक्सपैंड करेगी, ये बना दिया तो बाकी हर चीज बहुत आसानी से समझ में आती ठीक है। तो वी डोंट नीड अ गॉड। मैंगो मैन जी, यार जिस बंदे ने कह दिया कि दीन में अकल का दखल ही नहीं है, तो यार आप क्यों ऐसी चीजें बता रहे जिन्हें उन्हें सोचना पड़े समझना पड़े, जब दखल देना ही नहीं है, अकल का कोई दखल ही नहीं देना, बंदे ने कबूल कर लिया, आप इतनी सारी चीजें बताएंगे ना सारी ऊपर से निकल गई, मैं बता रहा हूँ एक भी उनको समझ में नहीं आया। नहीं बात सुनिए ना, बात सुनिए, उनको बहुत समझाना जरूरी है अकल क्यों लगानी पड़ती है, तो ये तो अच्छा, हो गया। तेलंगाना मुस्लिम जी, हाँ तेलंगाना मुस्लिम जी, जो मैंगो मैन जी ने जो कुछ आपको बताया आपको कुछ समझ आया, वो कहना समझ, क्या चाहते हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ गए? नहीं नहीं समझ की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो अच्छा कोशिश कर रहे हैं, आप तो सब कुछ गॉड की रिक्वायरमेंट रह गई है, इतनी गॉड की रिक्वायरमेंट रह गई है कि उसने लॉ बनाया, किसी ने बनाया या लॉ खुद से बन गए, आई एम नॉट गोइंग टू दैट कॉम्प्लिकेशन, तो उसके बाद हर चीज एक्सप्लेन हो जाती है उसके बाद गॉड ठीक है। अब दूसरी बात होती है जो लोग समझते हैं कि गॉड होना चाहिए इंसान के लिए बेहतर है, वो उसमें दो किस्म के गॉड है, एक तो लॉ गिवर जिसने लॉ बनाया
और एक वो है जो पर्सनल गॉड है, जो हर मजहब में गॉड है, मुख्तलिफ रोल है उसका, लेकिन बेसिकली वो इंसान को एक मॉनिटर करता है पर्सनली। जैसे अब ये जो ये वाला गॉड है जो मॉनिटर करता है पर्सनली, इसकी एज कम होती जा रही, इसकी शेल्फ लाइफ कम हो रही है, क्योंकि लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती जाएगी, वो कहेंगे ऐसा गॉड जो है वो फिजिबल ही नहीं है, जो पर्सनली आपको वॉच करे कि आपने नमाज कितने में पढ़ी, मंदिर गए कि नहीं गए, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल कि जब आप मरेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन, कितने बड़ा डेटा फिर उठेगा, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे और किस तरह पता चलेगा कि कौन आदमी किस ग्रेड, क्योंकि ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर ग्रेड्स होंगे, ये या बाइनरी होगा कि या जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा, या इसको मतलब कि इसको अच्छा होगा या बुरा समझा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है इंसान की अकल में नहीं आती, सो इज अ मैटर ऑफ टाइम जब लोग अकल जो नहीं भी लगाएंगे उनको भी समझ में आने लगेगा कि ये जो पर्सनल कॉन्सेप्ट गॉड का है, जो पर्सनल गॉड का, ये इसका टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब साइंस वाला गॉड रह जाएगा कि भाई लॉ बनाया उसने, कैसे बनाया, और वाकई एक गॉड ने बनाया, बहुत से ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है गॉड का, वो मिलके बनाते हैं, क्योंकि जो कानून है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और जो कुछ हमको नजर आ रहा है ना दुनिया में, आप लोग देख रहे हैं, ये लेस देन 5% है, 95% से ज्यादा डार्क मैटर है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसकी इफेक्ट देख सकते हैं, उसका असर देख सकते हैं। जैसे ग्लास अब मेज पर रख दें, गिर जाए तो आपको तो नजर नहीं आ किसने गिराया, लेकिन आप समझते हैं किसी ताकत ने गिराया उसको। इस तरह यूनिवर्स एक्सपैंड होती जा रही है, इसको कहते हैं डार्क एनर्जी, और इसका एक खास नंबर है जिसकी जिस स्पीड से एक्सपैंड हो रही है, अगर वो नंबर सही हुआ तो एक्सपैंड होती जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी, और नंबर कम हुआ तो वापस कोलैप्स हो जाएगी और दोबारा से स्टार्ट होगी। तो ये चीजें हैं जो आपकी जो लोग पढ़ेंगे समझेंगे, और अल्टीमेटली तो पढ़ना पड़ेगा ना, कहाँ तक कब तक भागेंगे, 2023 आ गया, 3000 में समझेंगे, यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड ये दुनिया चल कैसे रही है, एक्सपैंड। और हम बताए ना आपको 95% यार देखें, पहला तो कमेंट जितना छोटा हो ना उतना रखना चाहिए, ताकि बाकी के जो पैनलिस्ट हैं यार वो भी अपनी अपनी राय रख पाए। ओके ओके, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात देखें, अगर आप सोचे कि मुस्लिम एजुकेट हो जाए या पढ़ लिख जाए तो उनका दिमाग खुल जाएगा, ये बकवास बात है, ठीक है। रेशनलिस्ट होने के लिए या फिर एक खुला जहन होने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास हो, ये जरूरी नहीं है। एक पीक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि आपने पूरी जिंदगी किसी किताब को खोल के नहीं देखा, लेकिन वो एक पीक पॉइंट अगर आपके अंदर सच में एक इंसानियत है, अगर आपके अंदर सच में दिमाग है, तो आप समझ जाएंगे कि इस्लाम एक फॉल्स रिलीजन है, क्योंकि आप दुनिया में रामा के आइडियोलॉजी के साथ सर्वाइव कर सकते हो, गौतम बुद्धा की आइडियोलॉजी के साथ सर्वाइव कर सकते हो, महावीर जैन की आइडियोलॉजी के साथ सर्वाइव कर सकते हो, गुरु नानक की आइडियोलॉजी के साथ सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन मोहम्मद की आइडियोलॉजी के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर मुसलमानों से बहस करना फालतू है, बेकार है। हमको गॉड से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्यारे नबी से। यही है पूरे इस्लाम की जड़, और इसे ही सही साबित करके बताओ, क्योंकि तुम होते कौन हो यार डिसाइड करने वाले, वो गॉड कैसा है, कौन है, उसे क्या होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बस में नहीं है, जिसे तुम साबित नहीं कर सकते। हम जिसे साबित कर सकते हैं तुम्हारे स्क्रिप्चर से, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद है और कुरान है, जिसके अंदर आपके अल्लाह मियां की चार बातें हैं जो अधूरी हैं। साबित नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, वो मोहम्मद है। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो कहूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे मुसलमानों से भिड़ना ही बेकार है। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कुरान पर और तुम्हारी सुन्नतों पर, वो कैसा है, क्या है, क्यों है, नहीं है, हमको क्या लेना देना उससे। तुम पूरी दुनिया में शोर मचाते भाई हम सच्चे, अल्लाह के नजदीक एक ही दीन है जो इस्लाम है, साबित करके बताओ, बात खत्म हो जाएगी। हमें उस खुदा को साबित नहीं करना है जिसे हम मानते, भाई हमें नहीं पता वो कैसा है, जो तुम्हारा अल्लाह है जिसका दम तुम भरते, तुम उसको साबित करके बताओ। दम हो तो आ जाओ, सच वाला जी रोज बैठते हैं, फिर कहाँ गायब हो जाते हो।